अजनांगल चौधरी क्षेत्र में चल रहे क्रेशर जॉन के खिलाफ खतौली के तेजपाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर क्रेशर को बंद करने की गुहार लगाई। आपको बता दें, तेजपाल के क्रेशरों को लेकर एनजीटी तक पहुंचा है। तेजपाल ने जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह जाँच में देरी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन गांव में क्रेशर जोन स्थापित है, धोलेड़ा, बीगोपुर, इस्लामपुर में गोत, बीजा, कमानिया सहित आधा दर्जन गांवों के सरपंचों ने तेजपाल की इस कार्यवाही पर सवाली निशान लगाते हुए कहा, क्रिकेटर जोन से उन्हें या उनके गांव को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्रेशर सरकार द्वारा दिए गए नियम कायदे के अनुसार चल रहे हैं, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। साथ ही तेजपाल पर भी आरोप लगाए गए हैं कि वह राजनीति के करके या फिर पैसे के चक्कर में है। जब किसी को कोई परेशानी ही नहीं है तो फिर गांव में जाकर वह ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ दिन पहले ही एक युवक ने तेजपाल पर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि तेजपाल की क्या मंशा है, राजनीति की या पैसों के चलते। फिलहाल जिला प्रशासन ने जांच के आदेश देते हुए और जाँच जारी कर दी है। प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बीगोपुर, और मैं इस क्रेशरों के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी बात है कि जो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग राजनीति का कुछ षड्यंत्र रच कर ये काम कर रहे हैं, नहीं 15 से 20 साल से क्रेशर यहाँ चले हुए हैं और किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ आदमी जो डोल रहे हैं पैसों के चक्कर में या फिर किसी राजनीति के चक्कर में, तो वो गलत है। यहाँ युवाओं को रोज़गार मिला हुआ है और सब बढ़िया काम चला हुआ है। मेरे गाँव भी गोपुर में किसी भी आदमी को कोई तकलीफ नहीं है, और किसी प्रकार की हो भी की तो हम उनको अपने लेवल से, पूरे क्रेशर नियम कानून से चल रहे, पूरा क्रेशर बिना नियम कोई क्रेशर नहीं चल रहा है, सब अच्छी तरह से और अच्छे सिस्टम से क्रेशर चले हुए हैं, पूरा नियम की पालना कर कर क्रेशर चले हुए हैं। कोई किसी को आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार के, मेरे गांव बीगोपुर में किसी भी आदमी को। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है इनकी, जो सभी ठीक ढंग से चल रहे हैं। इनके अंदर जो भी रूल हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है या और कोई बातें हैं, तो ये सभी राजनीति अफवाहें हैं। यहाँ काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है और काफ़ी घरों का चूल्हा इन्हीं से जलता है। अन्यथा यहाँ ये ना होंगे तो लोगों के पास न ही तो कोई रोज़गार है और न ही कोई काम धंधा है। आज के दिन लोग राजनीति के चक्कर में इनको अनेक अफवाहें उड़ाते रहते हैं। इसके साथ ही सबसे मेन उद्देश्य ये भी है कि जो रोज़गार यहाँ चला है, इससे 10-15 साल से काफ़ी लोगों का जीवन ठीक ढंग से चल रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी जो आंदोलन लेकर के चल रहा है, आपके गांव में भी पर्चे लगे हुए हैं, पंचायत को भी बताई जा रही है, ये कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग अपने दिमाग से पैसों के चक्कर में भी काम कर रहे हैं। सभी बातें अलग अलग मैटर की हैं ये, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे को पता है कि अगर कोई समस्या होती है और हम वहाँ जाते हैं, गाँव वाले वहाँ जाते हैं, वो समस्या दूर हो जाती है, तो उसके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात प्रदूषण की, तो हम देखते हैं कि डेली पानी वानी डाला जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मामला है जी, मतलब ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। ग्राम पंचायत इस्लामपुरा की तरफ से कोई परेशानी नहीं करे सुरंग वजह से, यहाँ पर मजदूरी मिल रही है लोगों को, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। प्रदूषण को लेकर के नजर कोई प्रदूषण नहीं, बिल्कुल सही तरीके से चला रहे हैं। हाँ जी, आपके गाँव में पंचायत वगैरह भी नहीं? कुछ नहीं हुआ जी, ये राजनेता करते हैं, हमारी तरफ से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल सही तरीका से काम चल रहा है। कल विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है, ये तो वैसे ही कर रहे हैं, ये वोटों वाले चक्कर काटते हैं जी, और कोई मामला नहीं है। आपकी तरफ से बिल्कुल सही तरीके से? हाँ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ग्राम पंचायत इस्लामपुरा, ग्राम पंचायत इस्लामपुरा से कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की। आपके गाँव में भी पंचायत, किस तरह से क्या मामला है और आपका क्या सहयोग है इसमें? हमारा इसमें कोई सहयोग नहीं है। तेज प्रकाश नाम का कोई लड़का है, कोई करेश्वर बोल रहे हैं पैसों के चक्कर में डोल रहा है, गाँव में भी यही सुना है ऐसा, कोई कहता है वह राजनीति के चक्कर में डोल रहा है। अगर फिर भी ये डोल भी रहा है और इतना ये मतलब लोगों की सहायता के लिए डोल रहा है, तो इनके गांव की जो ज़मीन थी, इन्होंने पहले इम्पाउंड किया भाई गांव की ज़मीन मत बेचो। अब मैंने ऐसा सुना है कि भाई ये तो राजनीति के चक्कर में डोल रहा है, ऐसे डोल रहा है, तो प्रदूषण का हमारे तो अभी कोई असर है नहीं, आगे कोई इंडस्ट्रीज आएगी तो देखेंगे। सबसे ज़्यादा काम तो उन्होंने खातोली ने किया है कि जो कि ज़मीनें उन्होंने दी है। आपकी पंचायत की तरफ से? हमारी पंचायत की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ग्राम पंचायत धोलेड़ा से बोल रहा हूँ, जो ये क्रेशर जोन चल रहा है, अगर विदाउट परमिशन या गैर चल रहे हैं तो
तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गांव में जैसे ये गलत चलते हैं, कोई अपना धूल वगैरह उड़ती है तो गांव वाले पहले सचेत रहते हैं, इनको वैसे तो ग्राम पंचायत रोकने चली जाती है। और एक रोज़गार होने के नाते हमें और जो चल रही है इनसे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है जी। आज कम से कम हज़ारों संख्या में लोगों को रोज़गार मिल रहा है और ये जो आंदोलन चल रहे हैं इससे हमें ग्राम पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हर राजनीतिक कारण ये आंदोलन होते रहते हैं। तो अभी जो क्रेशर चल रहे हैं वो सभी बराबर सही तरीके से चल रहे हैं? हाँ, सही तरीके चल रहे हैं, इनमें कोई वो नहीं है। और जैसे भी वो कहीं गलत चलते हैं, जैसे नियमों का उल्लंघन होता है तो हम उनको सूचना देते हैं, हम पहुँच जाते हैं ग्राम पंचायत वाले।